अस्सलाम स्टूडेंट, मैं करता हूँ सब ठीक होंगे आपकी इतने एक बार भी हाजिर वीयू एक्सलेंस की तरफ से ससलमान। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। वीयू एक्सलेंस की तरफ से मैं हाजिर हुआ हूँ आपकी इंग्लिश के लेक्चर्स के लिए। लेक्चर नंबर 6 में रीडिंग स्किल्स हमारी बेसिकली जो है वो ये तीन चैप्टर्स हमारे 4, 5, 6 थे, या 4 चैप्टर होते 3, 4, 5, 6, ये रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने आज इसका 6ठा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया और मुझे वाकई ये चीज़ जानकर बड़ी खुशी हुई है कि वीयू के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने जो इतनी अच्छी इंग्लिश जो की बुक है वो रिकमेंड की है, जिसमें बच्चों को सबसे पहले एक वर्ड के जरिए रीडिंग करना सिखाए, वर्ड से फिर वो सेंटेंस पे आए, सेंटेंस से फिर वो पैराग्राफ पे आए, पैराग्राफ से फिर वो मोर देन 2 पैराग्राफ पे आए, फिर वो एक चैप्टर की रीडिंग पर आए। तो आज हमारा जो चैप्टर का जो टॉपिक है, जो रीडिंग है, उसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है, जो बेसिक उसका जो थीम है, वो हमारे पास है रीडिंग स्किल बेस्ड ऑन एक्सरसाइज। अब आज हम इस तरीके से रीडिंग करेंगे कि हमने उस रीडिंग को इतने अच्छे तरीके से करना है कि उस रीडिंग को करने के बाद अगर उस पैराग्राफ से रिलेटेड नीचे कोई एक्सरसाइज है उस चैप्टर की, उस पैराग्राफ की, उसको हम सॉल्व करने के काबिल हो जाए, ठीक है। आपने पिछले जितने भी हमारे थे लेक्चर्स वीडियो, उसमें मैंने आपको रीडिंग के बेसिक जो रूल थे, प्रिंसिपल थे कि हाउ टू बी रीड अ पैराग्राफ, हमें कैसे पढ़ना और कैसे समझना है, वो मैंने आपको सिखाया थे। भी पैराग्राफ्स के अंदर लिंक वर्ड्स यूज हुए थे, उनके जरिए आपने रीडिंग के कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट क्या है रीडिंग का, पैराग्राफ का किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आपने आज की जो हमारी रीडिंग है वो आपने इस तरीके से रीडिंग आपने करनी है, इतने थोरोले तरीके से, पुरसकून तरीके से आपने इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ना है और इतने आरामदेह पुरसकून तरीके से पढ़ना है, और तब तक आपने उस रीडिंग को करते रहना है जब तक आप उस रीडिंग की एक एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल नहीं हो जाते, ठीक है। आप अपनी रीडिंग को एक दफ़ा, दो दफ़ा, जितना भी अगर आपको टाइम जो है उसको पढ़ने के लिए दरकार होता है, आपको उस पैराग्राफ को, उस रीडिंग को, स्टोरी को, आपने उसको पढ़ते रहना है, ठीक है। आखिरकार जब हम उस रीडिंग पूरी को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं उस रीडिंग के अंदर, उस बेस पर हमने उसको रीडिंग करनी है, हम उसकी जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें, ठीक है। अब एक पैराग्राफ की रीडिंग के बाद उसके अंदर जो बेसिक एक्सरसाइज में जो चीज़ें दी और पूछी गई होती हैं, जब एक आप पैराग्राफ रीड कर लेते हो तो आप उसके ट्रू फॉल्स को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाते हो, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ वहाँ पे दी गई होती है वो ट्रू फॉल्स है, ठीक है। एक्सरसाइज में बेसिकली पहली तो नहीं होती, लेकिन एक्सरसाइज में अमूमन जो पूछा गया होता है वो एक ट्रू फॉल्स होता है, क्वेश्चन आंसर्स, सवाल जवाब, ठीक है। आप एक पैराग्राफ को, एक लेसन को रीड करते हो, उसकी रीडिंग इतने आप अच्छे तरीके से करते हो कि उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए होंगे, आप उनके आंसर उनके लिखने, उनको देख आंसर्स को पढ़ने के काबिल हो सकते हो। एमसीक्यूज, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहा जाता है, एम से मल्टीपल, सी से चॉइस, क्यू से क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज यानी कि, ठीक है। आप एक रीडिंग के जरिए से उस पैराग्राफ की रीडिंग के जो एमसीक्यूज है उसको भी अटेम्प्ट कर लेते हो। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये पार्ट थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको डिक्शनरी यूज करनी पड़ती है, ठीक है, इस सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए। लेकिन फिर भी इसकी एक्टिविटी और प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मैचिंग कॉलम, आपको वर्ड्स दो कॉलम में दिए गए होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक ये कॉलम एक ये कॉलम को मैच करें तो ये एज इट ही मैच हो जाएंगे, ठीक है। और आपको इनसे रिलेटेड किसी भी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको जो है वो आप जो बुक के अंदर आपके चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 में पैराग्राफ्स जो भी आपको टॉपिक्स दिए गए उनसे रिलेटेड आपको उनको उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये 6ठे चैप्टर पर हम पहुँच गए, लेक्चर नंबर 6 में हम आ गए, और उसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड ही पैराग्राफ्स हैं और बातें लिखी हुई हैं। और इस कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे इसलिए दिए गए क्योंकि आप BScS के स्टूडेंट हैं, ठीक है। BScS के स्टूडेंट होने की बुनियाद पर आपके अभी तक जितने भी आपने अगर बुक को खोला है, पढ़ा है, देखा है, उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स, रीडिंग पैराग्राफ दिए हैं, सारे कंप्यूटर से रिलेटेड इसलिए दिए गए, ठीक है। अब हम एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी हमारी वो सिनोनिम्स पे है, ठीक है। सिनोनिम्स अल्फाज और उनके सिनोनिम्स का मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले भी बताया था कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सिनोनिम्स का मानी मुतरादिफ होता है, मुतजाद होता है, ये ऐसे ओरिजिन है, इसका ऐसे बना है, तो एस का मानी होता है सेम, तो सेम का मानी आएगा मुतरादिफ, मीन आपने उसी वर्ड का जो मीनिंग है वो यहाँ पे बताना और लिखना है, ठीक है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिनोनिम्स में हम सेम मीनिंग लिखते हैं या एंटोनियो में सेम मीनिंग लिखते हैं, तो सिनोनिम्स में सेम मीनिंग आएगा, एंटोनियो में ऑपोजिट हो जाएगा तो मुतजाद आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं आपके इस चैप्टर नंबर 6 में पैराग्राफ से लिए हुए वर्ड्स, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स और एंटोनियम्स हैं। पहला आपका वर्ड है मशीन, ठीक है, मशीन का आएगा डिवाइस, ठीक है, मशीन एक डिवाइस को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिजाइंड, नेक्स्ट वर्ड इज डिजाइन और डिजाइन का आएगा डिवाइस, तरतीब देना, ठीक है,
डिवाइस का भी मतलब होता है राय देना। राय देना मतलब सोल्यूशन निकालना, कुछ बताना, तरतीब देना, नक्शा एक खींचना, ठीक है। नेक्स्ट है अलॉट, बहुत ज्यादा उसका आएगा, अ ग्रेट डील, अ ग्रेट नंबर, ठीक है। सेम मीनिंग आपने बताने, इसका बहुत से होते हैं, मैनी भी हो सकता है इसका, एक वर्ड से काफी सिनोनिम होते हैं, तो आप कोई सा भी इजी वाला ले सकते हैं। और कुछ इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपके पैराग्राफ के अंदर कौन सा एस सेट हो रहा है, कौन सा आ रहा है उसमें। नेक्स्ट है एरर्स, एरर्स का सेम मीनिंग आएगा मिस्टेक्स। और नेक्स्ट उसे आगे हमारे पास है सॉल्व, सॉल्व मीन फिगर आउट, ठीक है। ये चार एक वर्ड थे, उनके साथ इनके सिनोनिम दिए हुए थे उस पैराग्राफ नंबर, लेक्चर नंबर या आपका लेसन नंबर 6 है, उससे रिलेटेड। आगे हमारे पास आएंगे एंटोनियम, ठीक है। पहला वर्ड है उस लेक्चर नंबर 6 के पैराग्राफ में, ओल्ड, ओल्ड का आएगा मॉडर्न, मॉडर्न के अलावा अगर एक और मैं एंटोनियम उससे भी लिखना चाहूँ तो वो है न्यू। एक वर्ड के काफी सिनोनिम और एंटोनियम्स होते हैं, लेकिन आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है, उस सेंटेंस को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग देखना है कौन सा सेट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अ फ्यू, सेवरल, अ फ्यू का हम यहाँ से भी ले सकते हैं अलॉट, ठीक है। ऑपोजिट लिखने हमने टू इंक्लूड, इसका आएगा कट आउट, इंक्लूड शामिल करना, कट आउट निकाल देना। नेक्स्ट हमारे पास है स्टिल इन यूज, अभी तक इस्तेमाल में होना और ये इस्तेमाल में ना होना ऑब्सोलीट, ठीक है। आज के टॉपिक में हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था कि रीडिंग को हमने किस तरीके से करना है, हम उस पैराग्राफ की जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो या कोई मसला अगर पेश हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप वो मैसेज और उनसे पूछ सकते हैं। और आपको इसमें बोर्ड में इससे रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर आएंगे, ट्रू फॉल्स या क्वेश्चन आंसर, इन चीज़ों से रिलेटेड आपका एमसीक्यू बेस्ड भी पेपर होते हैं। तो आपको पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, उनको देखना है, उनको सॉल्व करना है। और ज़्यादातर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी क्योंकि आप BScS के स्टूडेंट हैं। अगले लेक्चर के लिए आपसे माजा चाहता हूँ आपकी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।